तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखा था। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय एम नॉट, जहाँ पे R होता है दोस्तों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, और एम नॉट जो होता है दोस्तों, ये एम नॉट क्या होता है, ये एम नॉट होता है दोस्तों मोलर मास। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है मोलर मास, या फिर आप इसको मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज सेम ही रहती हैं। ठीक है, तो ये जो एम नॉट है दोस्तों, ये मोलर मास बोल सकते हो या फिर मोलिकुलर वेट बोल सकते हो। अगर दोस्तों एग्जाम में आपको मोलिकुलर वेट एलिमेंट्स का देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर दोस्तों मोलिकुलर वेट नहीं देते हैं तो कुछ बेसिक्स एलिमेंट के आपको मोलिकुलर वेट पता होने जरूरी है। जैसे कि हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है हमें पता है दोस्तों, 2 होता है। हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों, ये होता है 4। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16। सल्फर का होता है दोस्तों यहाँ पे 32। ये एलिमेंट्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है वो दोस्तों 16 है, तो ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल का कितना होगा, O का 16 है तो O2 का कितना होगा दोस्तों, O मतलब 16 + 16 कितना होगा यहाँ पे 32। और SO2 सल्फर का मोलिकुलर वेट 32 है, ऑक्सीजन O2 का दोस्तों यहाँ पे 32 है, तो SO2 का कितना होगा 32 + 32 कितना होगा यहाँ पे 64। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 74 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीड करिए, क्वेश्चन क्या है, शो दैट RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide molecule at standard temperature and pressure। STP मतलब standard temperature and pressure होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, क्या प्रूव करना है दोस्तों यहाँ पे, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल मतलब VRMS ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू √2 times दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स मतलब क्या, ये V ऑफ SO2, ये आपको प्रूव करना है एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कितना लेना है दोस्तों आपको यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है। ये कितना है 273 केल्विन होता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे सेम ही है। सेम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी ये √2 दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की RMS वेलोसिटी, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, ये फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्या बनेगा, इट इज़ √3RT टेम्परेचर मतलब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को T एज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो √3RT डिवाइड बाय R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है दोस्तों, ये सभी गैसेस के लिए सेम ही होगा। टेम्परेचर इसका T एज्यूम करेंगे हम, डिवाइडेड बाय एम नॉट मतलब मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास बोल सकते हो। मोलिकुलर वेट कितना है दोस्तों इसका, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कितना है 32, तो यहाँ पे दोस्तों मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3RT डिवाइडेड बाय एम नॉट कितना है 32। ओके, अब VSO2 क्या होगा दोस्तों, RMS स्पीड फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला बनेगा 3RT डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं दोस्तों, ये देखिए 3RT डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है, तो यहाँ पे होगा ये 64। अब हमें दोस्तों VO2 और VSO2 इनका रिलेशन चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। सो इफ़ यू डिवाइड इक्वेशन 1 with equation 2, what you will get on the left hand side, you will get VO2 divided by VSO2, and on the right hand side you will get what, square root of 3RT divided by 32, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये भी square root of 3RT divided by क्या होगा 64। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, square root of 3RT divided by square root of 32 divided by क्या होगा दोस्तों square root of 3RT। टेम्परेचर दोनों का सेम ही है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट नहीं किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3RT कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 1/√32 इंटू ये 1/√64 है, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, √64 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, ये एक ही रूट के अंदर लिखिए इसको, √64 डिवाइडेड बाय √32, ये 132 इंटू 264 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एटम इज इक्वल टू क्या मिला है आपको यहाँ पे, √2। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो ना दोस्तों कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ये उधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों √2 इंटू VSO2, जो हमें प्रूव करना था वही हमने दोस्तों प्रूव किया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं उसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले आपको यहाँ पे रीड करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स एट STP। तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है देखिए फिर से एक बार, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम RMS स्पीड, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं, और हीलियम एटम की जो RMS स्पीड है उसको हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम आरएमएस स्पीड एज दैट ऑफ हेलियम मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, मतलब ये जो है VO2 इसका आपको यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड ओके एज हेलियम मॉलिक्यूल्स. जब हेलियम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना है दोस्तों यहाँ पे एसटीपी है, मतलब इसका टेम्परेचर आपको पता है ये एसटीपी है. हेलियम का जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मतलब कितना 273 केल्विन ओके. लेकिन आपको इस ऑक्सीजन का टेम्परेचर पता करना है. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे विल ऑक्सीजन की जो आरएमएस स्पीड है वो हेलियम के एटम की आरएमएस स्पीड के बराबर होती है जब हेलियम एटम का स्पीड एसटीपी है. ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है. तो इसको अब हमें सॉल्व करना है. और दिया क्या गया है देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दी गई है वो 32 है, और हेलियम एटम के लिए दोस्तों यहाँ पे दी गई है आपको मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू वो 4 है, ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों ये टेम्परेचर, ठीक है. ये टेम्परेचर आपको पता है 273 केल्विन है. अब दोस्तों ये VRMS स्पीड फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3R दोनों के लिए सेम होगा. इसका टेम्परेचर हमें पता करना है तो इसको हम बोलेंगे T, ये T आपको फाइंड आउट करना है 3RT ओके डिवाइडेड बाय m0. ऑक्सीजन का m0 कितना है, ये 32 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 32 ओके. और हेलियम के केस में दोस्तों RMS स्पीड कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 3R. आर की वैल्यू तो सेम होगी दोनों के लिए R, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो यहाँ पे हम 273 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय हेलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है दोस्तों 4 है ओके. अब आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है यहाँ पे ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब ये दोनों जो आरएमएस स्पीड है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है. तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करते हैं. सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, इफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 वॉट यू विल गेट हियर, ये राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं हम 3RT डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों ये देखिए 3R टेम्परेचर इसका आपको पता है 273 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 4 ओके. जैसे कि आपको दोस्तों T फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा. इफ़ यू स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स व्हाट विल गेट, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 3RT डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 3R इंटू 273 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ से दोस्तों 3R कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये T जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी. वो क्या होगा दोस्तों 32 इधर जाएगा, सो 32 डिवाइडेड बाई ये होगा 4 इंटू 273 ओके. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 8 सा 32 8 इंटू 273 कितना होगा ये, तो ये आंसर होता है दोस्तों 2184, ठीक है. ये केल्विन में होगा, टेम्परेचर कितना होगा 2184 केल्विन ओके. तो ये आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर. इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर जब 2184 केल्विन होगा तब उसकी जो आरएमएस स्पीड होगी वो हेलियम के एटम के बराबर होगी जब हेलियम का टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, ठीक है. ये क्वेश्चन था दोस्तों सॉल्व करते हैं उसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16, ठीक है. सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो आपको यहाँ पे दोस्तों आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, इसका कंपैरिजन आपको करना है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जिसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है. इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन मतलब दोस्तों इनका हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशो. कंपैरिजन करना मतलब रेशो फाइंड आउट करना है ओके. और दिया क्या गया है देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको, गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया गया है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया गया है 2, और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ओके. दोस्तों ये जो V का जो फॉर्मूला होता है VRMS, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0, ये हमें पता है. लेकिन टेम्परेचर जो होता है दोस्तों ये केल्विन स्केल में होता है, एब्सोल्यूट स्केल में होता है. लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो दिया हुआ है दोस्तों वो डिग्री सेल्सियस में, इसका आपको कन्वर्जन करना होगा. तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर में दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, केल्विन स्केल कितना होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना होता है आपको. तो इसका क्या करना होगा दोस्तों, इसका अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड करना होगा, ठीक है. सो इट विल बिकम व्हाट 127 प्लस 273 ये होता है दोस्तों 400 केल्विन. तो इसका जो टेम्परेचर है हाइड्रोजन का वो 400 केल्विन है. अब इसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों ऑक्सीजन का 27 प्लस कितना 273, 27 प्लस 273 300 केल्विन. तो ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो 300 है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर 400 केल्विन है. तो आपको इनका रेशो निकालना है और मॉलिक्यूलर मासेस भी दिए गए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT टेम्परेचर किसका यहाँ पे हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास भी दोस्तों हाइड्रोजन का, ठीक है. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा O2 का, इट विल बिकम व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 3R, R तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, इनटू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका लेना होगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का लेना होगा ओके. फाइंड आउट करना है दोस्तों इनका रेशो, तो इक्वेशन वन को हम यहाँ पे इक्वेशन टू से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन वन से अगर टू को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 डिवाइडेड बाय PO2, इसको हमने इससे डिवाइड किया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू इसका टेम्परेचर कितना है हाइड्रोजन का, ये 400 है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 400 डिवाइडेड बाई ये मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन का, यहाँ पे है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3R, इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, इसका टेम्परेचर है 300, सो इंटू 300, और इसका मोलर मास कितना है, ये है 32। ओके दोस्तों, ये 3R आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ओके ये क्या होगा देखिए 200। ओके तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो बचेगा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 200 बचेगा न्यूमरेटर में। ओके और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 300 डिवाइडेड बाई 32, तो इसके इनवर्स से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब क्या, रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 300। ओके अब इसको आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 200 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 300। आप इसको कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके यहाँ से 2 जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ये 2 जीरोज़ कैंसिल हो गए, 2 इंटू 32 64। ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों 64 डिवाइडेड बाई 3, इसका सिंप्लीफिकेशन करके आपको यहाँ पे लिखना है। रूट ऑफ 64 आपको पता है दोस्तों ये क्या होता है 8 होता है, और नीचे √3 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आपको मिलेगा दोस्तों क्या, देखिए V ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई V ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा दोस्तों, ये रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय √3। रूट ऑफ 64 होता है दोस्तों 8, और √3 आप ऐसे रख सकते हो आंसर को, या फिर आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। आपके टेक्निक में दोस्तों यहाँ तक सॉल्व गया है, तो हम इस आंसर को यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।